गुड फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल, जो जल्दी मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से जाएगा जाएगा। गाइस, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट हो जरूर दबा लीजिए। गाइस, बहुत बड़ी धमाकेदार है नेचुरल गैस न्यूज, बहुत बड़ी धमाकेदार। गाइस, अगर ये वीडियो आपने मिस किया गाइस, मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नेचुरल गैस में धमाकेदार न्यूज गाइस, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, नेचुरल गैस में क्या कहर बरपाने वाला है ये न्यूज, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। न्यूज एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, फिर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट लेखा जोखा डिटेल में बात करेंगे। गाइस, स्किल सेट भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा आपको यहाँ पे, और साथ साथ में आपको लेवल्स वगैरह भी एजुकेशन पर्पस के हिसाब से आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे न्यूज के बारे में बात करते हैं गाइस, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे जो एक न्यूज निकल गया ये गाइस, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक आपको ये वाली न्यूज बता देता हूँ। देखो, साउथ एशिया रिटर्न्स टू द स्पॉट एलएनजी मार्केट एस प्राइस डिप। आप समझ रहे हैं, अब मैं आपको इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज है, जो सबसे बड़ी न्यूज है गाइस, वो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। सो प्लीज बी ऑन दिस वीडियो, इस वीडियो में बने रहिए गाइस। साउथ एशिया रिटर्न टू द स्पॉट एलएनजी मार्केट एस प्राइस डिप, मैं हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। साउथ एशियन इकोनॉमीज इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हैव साइन द एक्टिविटी ऑन द स्पॉट एलएनजी मार्केट इन द रिसेंट वीक। आपको पता होगा गाइस, रिसेंटली जब मार्केट इंडिया मार्केट में न्यूज आई थी कि इंडिया अब अपना है ना 50% कंजप्शन इन एलएनजी मार्केट वो बढ़ाने वाला है। ऐसा क्यों किया भाई? क्योंकि हमारे, आपको सबको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इंडिया में एलएनजी की खपत ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा गैस की टंकियां नेचुरल गैस की ज्यादा खपत होती नहीं, चाइना में ज्यादा खपत होती है, राइट। तो हम लोग यूज ही नहीं करते, इम्पोर्ट ही नहीं करते। लेकिन अभी एक आया था कि भाई इंडिया ने अपना 50% कंजप्शन बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया भाई? क्योंकि सस्ते दामों में माल मिल रहा है भाई। नेचुरल गैस को इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे भाई साहब, नेचुरल गैस को, और जहाँ कोल एनर्जी यूज करती है वहां नेचुरल गैस यूज करेंगे, ठीक ना। तो जब सस्ते दामों में मिल रहा है अगर, तो उसको लूट लिया जाए, तो रशिया से लूटा जा रहा है, यू नो। तो अब यही चीज है, देखो यहाँ पे जो भी एशियन कंट्रीज है, क्योंकि आपको पता है एशियन कंट्रीज हमेशा हर चीज चीप प्राइस में देती भी है और चीप प्राइस में लेती भी है। तो देखिए यहाँ पे यही बोले कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हैव शोन साइन ऑफ एक्टिविटी ऑन द स्पॉट एलएनजी मार्केट इन द रिसेंट वीक। द लास्ट वीक एशिया स्पॉट एलएनजी प्राइस डिप्ड फॉर येट अनदर वीक बाय 8.1% टू 70 बिलियन। तो गाइस यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज ये है कि इसका मतलब क्या होने वाला है। देखो, इस न्यूज का मतलब ये होने वाला है कि अब मार्केट गिर रहा है लेकिन अब डिमांड बढ़ेगी। आप कभी, बड़ा अनयूजुअल कंसेप्ट है गाइस, मार्केट गिर रहा है लेकिन डिमांड बढ़ने वाली है। डिमांड क्यों बढ़ने वाली? क्योंकि मार्केट गिरने की वजह से एशियन कंट्रीज एक्टिवेट हो गई, उनका भाई सस्ता माल ले लो, तो अब बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी गाइस नेचुरल गैस की यहाँ पे। तो इसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर मैं बोलूँ तो? नेचुरल गैस की प्राइस में इजाफा होना चाहिए। लेकिन दूसरी एक और न्यूज है जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज है गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज है। देखिये, जो क्रूड ऑयल में भी है और नेचुरल गैस में भी गाइस, कि आरबीआई की फेड हाइक, सॉरी नॉट आरबीआई, फेड हाइक आने वाली है उसकी तरफ से गाइस। देखो, ऑयल प्राइसेस फॉल इन द फियर ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक फ्रॉम द फेड। गाइस, फेड की हाइक होगी या नहीं होगी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको ऐसा क्या लगता है कि फेड की हाइक होनी चाहिए नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है, होगी या नहीं होगी? अरे यार, ऑब्वियसली होगी, ठीक है ना। अभी नहीं होगी तो कब होगी भाई? देखो, ऑयल प्राइसेस आर सेट फॉर अनदर वीकली लोज एज अ फियर ऑफ फर्दर एग्रेसिव एक्शन फ्रॉम द फियर एंड काउंटर ऑप्टिमिस्ट डिमांड फोरकास्ट फ्रॉम द व्हाइल इन्फ्लेशन डजंट अपीयर टू बी ईजिंग, दिस आर द फियर्स दैट पाथ पावर लोअर विल नॉट बी स्मूथ एंड इन्फ्लेशन एंड नॉट बी कूलिंग फास्ट इनफ फॉर द फेयर्स लाइक इन द रिसेंट ऑयल इन्वेंटरी इंक्रीज रिपोर्ट बाय द ईयर टू फियर दैट यूएस डिमांड वाज वेनिंग ऑल द डेटा वाज क्यूर जस्ट टू एडजस्टमेंट। गाइस, यहाँ पे क्लियर कट बता रहे हैं कि जिनका, मेरा भी मानना यही है कि गाइस फेड हाइक तो होनी ही वाली है, ठीक है ना। अब कितनी होगी वो भी मुझे पता है, आपको भी पता है कितनी होने वाली, जो यूजुअल होती है वही वही हाइक वापस से होनी होगी। वो फेड हाइक होगी तो उसके कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि फेड हाइक होती है उसके बाद ऊपर ही नहीं जाता नेचुरल गैस। तो यहाँ पे देखो, एक न्यूज है जो नेचुरल गैस को नीचे ले जाने की तरफ कर रही है, दूसरी न्यूज है जो नेचुरल गैस को ऊपर ले जाने की तरफ कर रही है, राइट। तो अब बोलेंगे कि सर करना क्या फिर? ओके गाइस, तो बता देता हूँ मैं आपको करना क्या। देखो, न्यूज से आपको एक मिला जुला मिल रहा है। अगर आप मुझसे पूछे, देखो 194.60 पे आ गया गाइस, आई वॉज द वन जो मैंने बोला था कि 230 पे जा नहीं सकता। हमने मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनी थी, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने क्लियर कट बोला था कि हो ही नहीं सकता कि ये 230 चला जाए इस एक्सपायरी में, पॉसिबल ही नहीं है कि 230 के ऊपर चला जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा था कि 200 के नीचे जाएगा, 195 के नीचे जाएगा, और अभी मैं बोलता हूँ गाइज, ये अगर 194.50 के नीचे जाता है ना, तो आपको 190 के लेवल्स भी मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे गाइज। वापस से कोट कर रहा हूँ, 190 के लेवल्स, बिकॉज
डिमांड नहीं है गाइस, टेक्निकल चार्ट यही दिखा रहा है, ऑप्शन एक्सपायरी का पूरा गेम यही दिखा रहा है गाइस। ये हमने सारी स्ट्रेटेजीज हमने इंप्लीमेंट की गाइस, मैं पहले बता दूं जो हम मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में करते हैं वो सारी स्ट्रेटेजी हम लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि वी आर राइट और रॉन्ग। खुला आसमान है भाई साहब, खुला सब कुछ, खुली किताब है भाई जो ट्रेडिंग में मिल रहा है, राइट गाइस। अगर आपको मुझसे अप्रोच करना है तो ईमेल आईडी दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे मैं लेवल बता देता हूँ, देखो डेफिनेटली 194.50 के नीचे आता था, मेरे को लगता है 190 के लेवल्स तो बहुत काफी इजीली, मैं अगर आप मुझे शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव पूछे तो मैं तो 185 के लेवल भी देख पा रहा हूँ खुली आंखों से, बहुत पहले से देख रहा था लेकिन कंसोलिडेशन हो रहा था बीच में, मैंने बहुत पहले ही बोला था 180 185 के, 85 का मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डेफिनेटली आएगा और आएगा ही आएगा क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है ना, डेफिनेटली आएगा 190। तो अगर ये 190 देखो 194.50 आ गया गाइस, जैसे इसके नीचे जाता है ट्रिगर हो जाएगा, 194.45 जैसे ही आता है गाइस ट्रिगर हो जाएगा और 190 के लेवल सिमेंगे। तो गाइस मैं आपको आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो भी है मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको ट्रेड करना तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर अपने आपसे ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी जिम्मेवारी बिल्कुल भी नहीं बनती गाइस। तो ध्यान रखिए 194.45 आता ही 190 एज पर द टेक्निकल चार्ट गाइस। गाइस ध्यान रखिए मैं कभी कोई रिकमेंडेशंस नहीं देता, इट्स जस्ट एनालिसिस, ओके। अब ऊपर की साइड गाइस, ऊपर की साइड कोई ट्रेड नहीं, मैंने पहले भी बोला है देयर इज नो ट्रेड, दिस इज वन लाइन यू नो ओनली डाउन साइड, सो आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ बिकॉज इट्स नॉट विजिबल इन द टेक्निकल चार्ट फॉर द अपसाइड, राइट। द सेम गोज फॉर द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल, इंटरनेशनल मार्केट मैंने बोला था 2.40 के नीचे 2.35 के, देखो आज वो भी हिट होते हुए नजर आए 2.337 के, ठीक है ना, नेचुरल गैस में भी तो काफी मजा आया नेचुरल गैस में। जो भी हमारे जो चैनल की मार्केटिंग करते हैं मेंबर्स हैं हमारे प्रीमियम मेंबर्स, उनको काफी मजा आया होगा आज तो, मतलब काफी दिनों से ऐसा चल रहा था कि थोड़ा सा यू नो कि यार 200 के आसपास इतना नीचे चला गया, वहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अब वापस से फिर से रौनक लौट आई है गाइस। ओके गाइस चलिए दोस्तों यहाँ पे जाते थे, आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमेशा ध्यान रखिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी आप ट्रेड करते हैं ना उसमें दुर्घटनाएं होती रहती, यू नेवर गेट टू नो, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा बेहतर बादशाह बता दीजिए आप कमोडिटी में वो भी फेल होगा, लेकिन अगर उसके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, उनके पास सारी स्ट्रैटेजीज की उसको मैनेज कैसे करनी चीजों को, तो वो आउट ऑफ द लॉस भी प्रॉफिट निकाल के जाएगा। इसीलिए हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि वो आपके पास होनी चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी गाइज। कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज मार्केट में आए तो उसे ना फैलाए, हमेशा ध्यान रखिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखिए कि हर न्यूज़ को आपको जांचना है परखना है, उसी के बाद उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है या फिर आप चाहते हो कि आगे फॉरवर्ड करें, लेकिन न्यूज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए। विद दिस नाइसफुल थॉट दिस इज अजय एंड साइनिंग आउट।